हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जनाब कैसे हो आप सब। आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस, आपके लिए क्या आ गया है, एक आज वीडियो होने वाली है जो एक शेर है असादुद्दीन ओवैसी जी, उनकी वीडियो लेके आई। हम पहले रिएक्शन करते थे इस चैनल पे असादुद्दीन ओवैसी जी की वीडियोस पे, और आप सभी बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे उनके ठग लाइफ मोमेंट निकालते थे या कुछ ऐसे अग्रेशन वाले मोमेंट, है ना। तो आज फिलहाल उनकी वीडियो होने वाली है जो पार्लियामेंट में उनकी जो हेमा मालिनी है ना, वो बीजेपी की लीडर है मेरे ख्याल से, तो उनको कुछ रिप्लाई किया है और बहुत ही खतरनाक चीज़ की है, कही है उनको कि अंधे अंधी घोड़ी आंखें खोल कर बोल। भाई देखते हैं क्या कहा असादुद्दीन ओवैसी जी ने, ऐसी क्या बात हुई है, क्या बवाल हुआ है। और आप सभी को पता है भाई, एक वही है जो पूरे पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य हैं ना, उनको भाई हिला के रख देते हैं अपने क्वेश्चंस या अपने आंसर्स के साथ। भाई इतना ज़्यादा रोब होता है ना उनका। सो फिलहाल इसको प्ले करते हैं इस वीडियो को और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। मेरा भी एक सपना था कि हमारा देश कैसा हो। जब भी मैं विदेश जाती थी तो मुझे लगता था कि यहाँ कितना अच्छा है, सब कुछ साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, वेरी वेल डिसिप्लिन। हमारा देश में ऐसा क्यों नहीं है। जब भी मैं वापस आती थी हमारे देश में तो मुझे बहुत दुख होता था कि ऐसा क्यों नहीं है, हमारा देश भी ऐसा होना चाहिए। तो मुझे कहते हैं कि भले देर से हो लेकिन खुली आंखों से देखा गया सपना सच होता है, और मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे जीवन काल में मोदी जी के नेतृत्व में मैंने इन सपनों को सच होते देखा है। मैं इन सपनों को सच होते देख रही हूँ, एक नए भारत का निर्माण होते देख रही हूँ, न्यू इंडिया बनते देख रही हूँ। मोदी सरकार के वैसे अनगिनत उपलब्धियाँ हैं, बहुत सारे हैं, जैसे किसानों के हित में, जवानों के लिए, वेलफेयर के लिए, और शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, ऐसे बहुत कुछ है। लेकिन सबसे ज़्यादा बहुत ही बढ़िया और अद्भुत जो है वो विमेन एम्पावरमेंट। आज मैं कहूँगी कि हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं, स्पेशली द यंग वंस, आर डूइंग रियली वेरी वेल, और कंधे से कंधे मिलाकर बहुत कुछ काम कर रही हैं। और इतना ही नहीं, हमारे भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी महिलाएं आगे आई हैं, और बहुत सारे क्षेत्र में, जैसे डायरेक्शन हो या फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग हो या कैमरा, बिहाइंड द कैमरा, ऑल काइंड ऑफ थिंग दे आर एबल टू डू, विच इज़ रियली रिमार्केबल, एंड वी रियली फील वेरी प्राउड टू सी देम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सो मेनी डॉक्टर, इंजीनियर्स आर देयर, डॉक्टर्स आर देयर, एंड साइंटिस्ट आर देयर, एस्ट्रोनॉमिस्ट, काम पर बहुत सारी काम कर रही है हमारी सरकार। खास तौर पर मैं जब जाती हूँ तो यमुना के शुद्धिकरण के बारे में वहाँ कहते हैं, वहाँ के साधु संत लोगों को ये पुण्य नदी जो यमुना का आचमन करना चाहते हैं उस पानी से, वो नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने हमेशा मेरे से कहा है कि आपको, आप सांसद तो बन गए हैं लेकिन आप यमुना का शुद्धिकरण करना आपका ये कर्तव्य है। तो मैंने हमेशा कहा है मोदी जी से, और मुझे ये खुशी है कि इस वक्त हमारी सरकार इस पर बहुत ही ध्यान दे रही है, और बहुत सारे प्लांट्स भी लगा हुआ है पूरा मथुरा क्षेत्र में, यमुना नदी में, और काम शुरू हो गया है। महोदय, एक भारतीय होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैसे तो सपने दो आंखों से देखे जाते हैं, लेकिन न्यू इंडिया का ये सपना दो आंखों से नहीं बल्कि पूरे 125 करोड़ भारतीयों के आंखों से देखा जा रहा है, और हम सबको मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में इस सपने को पूरा करके दिखाना है और बता देना है सारी दुनिया को कि भारत किसी से पीछे नहीं, भारत किसी से कम नहीं, भारत को आंख दिखाए अब किसी में दम नहीं। धन्यवाद सर। मौजूदा वतन अजीज के जो का जो माहौल है, जो पुराशुभ दौर है, उस पर किसी एक शायर ने बड़ा खूब कहा, उसमें पहले मिसरे में तरमीम करके कहना चाहूँगा कि हुक्मरान हो गए बहरे और अंधे लोग, हुक्मरान हो गए बहरे और अंधे लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहिब्बे वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ, आमिरों के गीत जो गाते रहे वही नामोदाद पाते रहे, रहजनों ने रहजनी की थी, रहबरों ने भी क्या कमी की थी। जनाब चेयरमैन साहब, सदर जमहूरिया के खुतबे में खारजा पॉलिसी के बारे में कहा गया कि नेबरहुड फर्स्ट, इसकी नाकामी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है सर कि नेपाल एक मुल्क है जो हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात हमारे भारत से रहे हैं,
आज नेपाल नरेंद्र मोदी की सरकार को कह रहा है कि मिस्टर मोदी अगर आप चाहें तो हम आपको और पाकिस्तान को बिठाकर बात करा देते हैं इंटरलॉकेटर बनकर। अब आप बताइए सर कितनी कामयाबी है इन लोगों की। दूसरी इनकी कामयाबी देख लीजिए सर, या इनकी नाकामी, और भारत की नहीं बल्कि इनकी सरकार की नाकामी, कि अमेरिका के कांग्रेस में और सेनेटर्स ने हमारे मुल्क के ऊपर कई हियरिंग्स किए, कई रिमार्क्स किए, कई मोशंस पास किए। इतना वजीर आजम ट्रंप से बगलगीर हुए, ऐसा लग रहा था पिछले बार के शायद बकरीद और रमजान के ईद के गले मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी अमेरिका के कांग्रेस और सेनेटर्स भारत की पॉलिसी के ऊपर तनखीद पे तनखीद कर रहे हैं, इससे आपकी कामयाबी अंदाजा होता है। तीसरी बात सर, यूरोपियन पार्लियामेंट में भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन मूव हो गया, ये आपकी कामयाबी या नाकामी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। सर कश्मीर की पॉलिसी, बड़ा अफसोस होता है सर, और मैं समझता हूं कि इस ऐवान की तौहीन भी हुकूमत कर रही है कि गोरी चमड़ी के डिप्लोमैट्स को लेकर कश्मीर को लेकर जाते हैं, मगर भारत के अवाम ने जिसको मुंतखब किया उनको नहीं ले जाते। आखिर क्यों डरते हैं आप इन डिप्लोमैट से, इन फॉरेन कंट्रीज से? क्यों उनकी खुशामद कर रहे हैं? क्यों उनके पैरों पर गिरकर आप बता रहे हैं चलिए कश्मीर, और हम जाना चाहते तो नहीं जा सकते? ये आपकी और एक खारिजा पॉलिसी की नाकामी सर। और एक मिसाल दे रहा हूं सर, एफएटीएफ में जापान जो हमारा मुल्क दोस्त रहा उसने पाकिस्तान के हक में वोट दे दिया, अमेरिका दे दिया। अब पाकिस्तान पे से एफएटीएफ खत्म हो जाएगा, वो ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, ये इनकी खारजा पॉलिसी रही सर। अफगानिस्तान में तालिबान आ रहा है, अमेरिका कह रहा है कि छाबार पोर्ट में भारत नहीं बना सकता पोर्ट, कल तालिबान वहां पर आएगा तो हम क्या करेंगे फिर? आपके पास इसका कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा सर, अब आप आ जाइए, हज सब्सिडी को निकाला गया था, 700 करोड़ की सब्सिडी निकाले, मैंने खुद कहा था कहां गए वो पैसे? 700 करोड़ में आपने कितने मुस्लिम महिलाओं के लिए स्कूल खोले? जीरो, सिफर। और आज आप कहती हैं कि स्कॉलरशिप सर, हर साल मैम डिमांड कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज के लिए, अखिलियतों के लिए डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप करिए, आप नहीं करते। और नहीं करने की वजह से हर साल कम से कम 20 लाख मुस्लिम लड़के और लड़कियां स्कॉलरशिप से महरूम होती हैं। अच्छा सर, आप देख लीजिए जो पैसे दिए गए थे 2018 और 19 में, उसमें से आपने 170 करोड़ रुपए खत्म दिए ही नहीं। 19-20 में आपने नवंबर तक सिर्फ 27% पैसे रिलीज किए, और फिर आप बड़ी-बड़ी बातें करते। हुनर हट का जिक्र सदर जमुरिया ने किया, इसमें भी झूठ सर, झूठ का अंदाजा लगाइए कि खुद गवर्नमेंट का मैंने आरटी एप्लीकेशन डाला जिसमें कहा गया कि 2018-19 में खाली 12,000 के करीब आर्टिजन्स को, सॉरी 1,227 आर्टिजन्स को हुनर हट में ट्रेनिंग दी गई। आप कहते हैं हजारों, ये आरटीआई की एप्लीकेशन है। सर तीसरी जो अहम बात मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा था कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये हमारे हर जमहूरियत के लिए बुनियाद होती है, मगर 5.5 साल में तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर्स की धज्जियां नहीं बल्कि उसको निस्तो नाबूद कर दिया गया। कोई चीज आजाद नहीं है आज। थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर्स खत्म होकर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स बन चुका है। यहां पर एक ही शख्स के हाथ में पूरा पावर आ चुका है। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स में अदलिया थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, अब लगता है कि एक ही फर्द में ये तमाम चीजें समा जा चुकी हैं, जो हमारी जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो रहा है सर। चौथी बात सर, जिसका जिक्र मैं आपके सामने करना चाह रहा हूं कि सरकार बार बार कहती है कि और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सर इस पार्लियामेंट की तारीख में यह पहला कानून बनाया गया जिसमें मजहब का नाम लेकर हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, पारसी, कभी 70 साल में इस तरह का कोई कानून नहीं बना इस पार्लियामेंट में। वो भी बदनुमा दाग का एजाज आपको हासिल है कि आपने मजहब के नाम पर कानून बनाया। सर एनपीआर एनआरसी के बारे में आज एक सवाल के जवाब में हुकूमत ने कहा कि टिल नाउ देयर इज नो डिसीजन एनआरसी हैज टेकन। सर ये टिल नाउ का मतलब क्या है? सर ये टिल नाउ का मतलब क्या है? आज और कल होगा ना, कल होगा, परसों होगा? नहीं, उसमें लिखा है अभी तक, अभी तक, कभी तक कभी नहीं लिखा हुआ है ना सर, अभी तक, टिल नाउ। सर अब आप देखिए सर, मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट को कह रहा हूं,
जी हाँ, यस सर, मैं थम्स अप हूँ, आप शेक्सपियर पढ़े हैं मुझे मालूम। और मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी सर मैं अभी हलवा और पोहा खा के आऊँ, इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ। हाँ, तो सर ये NPR और NRC का मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जब जवाब देंगे, बल्कि मैं प्रधानमंत्री को जरा हिम्मत करके कह रहा हूं, आपको चैलेंज कर रहा हूं प्रधानमंत्री को, आप ये बता दीजिए कि NPR NRC क्या एक सिक्के के दो रुख नहीं है? क्या NPR और NRC सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स में नहीं है 14A के तहत? अगर NPR होगा तो NRC होगा, इसीलिए आपने 3,900 करोड़ रुपए NPR को दिए। और NPR सर सुन लीजिए, NPR के सर इन तमाम से पूछिए कि 2003 के रूल्स में कितने मर्तबा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर लिखा गया है, कितने मर्तबा नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन लिखा गया है, इनको पता ही नहीं है। सर मैं आपके सामने कह रहा हूं कि NPR होगा तो NRC होगा, क्योंकि सेंसस अलग है, NPR अलग है। आप NPR जब करेंगे और उसमें 8 सवाल क्यों डाल रहे हैं आप, नए सवाल, क्या NRC नहीं करेंगे? अच्छा, ये और एक चार्ज, ये जवाब दे प्रधानमंत्री। दूसरी बात सुनिए, आप बोलना चाह रहे तो मैं बैठ जाऊं, आप बोलिए ना सर सिटीजनशिप अमेंडमेंट, प्रधानमंत्री कहते हैं ये नागरिकता देता लेता नहीं है, ये देता भी और लेता भी है। उसकी मिसाल क्या है? आसाम। क्या आसाम में 5,00,000 मुसलमान के नाम नहीं आए वो बंगाली जबान बोलते? आसाम में 5,00,000 बंगाली जबान बोले हिंदू हैं। आप बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप देना चाहते हैं, आसाम के 5,00,000 मुसलमानों को नहीं देना चाहते? क्या आसाम के असेंबली में आपने नहीं कहा, आपकी सरकार ने, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये है, NPR होगा, नहीं घुसपैठी नहीं, घुसपैठियों का बाप हूं सर, सुनिए, NPR होगा तो NRC होगा। आसाम में जो घुसपैठी है मुसलमान घुसपैठी है, बंगाली हिंदू नहीं है सर। मैं खत्म कर रहा हूं 2 मिनट में सर। ये तो NPR NRC में कोई फर्क नहीं है सर, NPR NRC एक ही है सर, NPR होगा तो NRC होगा। प्रधानमंत्री बता दें कि आसाम के 5,00,000 बंगाली हिंदुओं को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी CAA के तहत। सर आखिरी में सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मुल्क में जो माहौल है, प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट कह रही है क्यों हो रहा है एहतजाज, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मैं मुस्लिम महिलाओं का भाई हूं, आज मुस्लिम महिला उनके खिलाफ खड़ी है तो भाई को नाराजगी क्यों हो रही है, एहतजाज क्यों हो रहा है? सर ये जो लड़ाई है ना सर, ये हमारे वजूद और बका की लड़ाई है, अगर हम इसमें नाकाम हो जाते हैं तो हम खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कैटेगरी खड़े रहिए और खड़े रहकर कहिए। मौजूदा वतन में जो माहौल है सर, ऐसा माहौल है कि 1933 का जर्मनी का माहौल है, 1938 का जर्मनी का माहौल है, 1948 का 38 का मुसोलिनी का माहौल है। आज हर जगह पर अब सिर्फ बाकी क्या रह गया मालूम सर, बाकी हिटलर ने भी इन्हें सेंसस किया था, उसके बाद यहूदियों को गैस का चैंबर में डाल दिया, मुसलों ने भी 1938 में सेंसस किया था, उसके बाद पूरी जायदाद रोमा और यहूदियों की छीन ली। अब वही हाल यहां पर होने वाला है मुसलमानों के साथ, वही हाल होने वाला है सर, वही हाल करने वाले हैं, इनका मकसद ही वही है, इनका मकसद। मैं खत्म कर रहा हूं सर। और दिल्ली में क्या हो रहा है, इतने पावरफुल होम मिनिस्टर है, 3-3 गोलियां चलती हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर है आपका, कैपिटल ऑफ द कंट्री में सर, कैपिटल सर खत्म करो एक मिनट लास्ट, कैपिटल ऑफ द कंट्री में 3-3 गोलियां चलती हैं, गोली मारो देश के गद्दारों को, मारो मुझे, कहां मारते मारो, बताओ, मारो मुझे, हिम्मत है तुमको, मारो मुझे, मैं मरने तैयार हूं सर। ये बुजदिल है, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, भारत को हिटलर और मुसोलिनी का मुल्क बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं इसकी मुखालिफत करता हूं सर। थैंक यू सर। ये थी वीडियो एंड ओवैसी साहब का भाई बयान। ओवैसी साहब जब बोल रहे थे तो आगे कोई भी कुछ नहीं कह रहा था भाई, शांत से कोई भी स्टेटमेंट हो एकदम पॉइंट पे लेके आते हैं। वो उनकी बातें इतनी ज्यादा ना कि सुनने वाला बंदा चाहिए और पूरी पॉइंट उधर नॉलेज है। वो कह रहे थे स्पीकर को कि सर 2 मिनट दीजिए, और स्पीकर ने कहा था कि वर्ड लिमिट हो गई है, टाइम हो गया, कुछ होता होगा इनका टाइम का, तो वो इस चीज़ के लिए कह रहे थे। और उन्होंने अपना जो जिक्र थे वो किया भाई, पूरा क्लियर लिया हर एक चीज़ का, है ना।
और बाकी तो ये वही चीज़ के पीछे हमने एक दो पहले भी देखी है, वही चीज़ है ना कि जो संविधान है उसको खाली मतलब कि डिमोलिश करना चाहते हैं, पूरी तरीके से अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं ना। इस बार भी वही प्लान था कि अगर 400 पार हो जाते तो उन्होंने अपने तरीके का करना था, लेकिन वो संभव ही नहीं हो पाया है ना। सो बाकी तो फिलहाल ये वीडियो अगर आप चाहते हैं हम और ज़्यादा वीडियो बनाए असादुद्दीन ओवैसी जी की, इनके भाई की अकबरुद्दीन ओवैसी जी की, तो बनाएंगे। बाकी कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।